ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है पंजाब में चुनावी हलचल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक नरेंद्र जग्गा और आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। समूचे उत्तर भारत की तरह पंजाब का मौसम भले ही सर्द हो, लेकिन इस सीमावर्ती राज्य में चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। राज्य में एक ही फेज में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। पंजाब की राजनीति ने पिछले कुछ महीनों में कई रंग देखे हैं, कई करवट भी ली है। इन सब की यहाँ की चुनावी हलचल में कैसा असर होगा, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सिंह बग्गा जी। बग्गा जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पंजाब के सर्द मौसम में वहाँ की सियासी हलचल किस तरह करवट ले रही है, कितनी गर्म हो रही है। जी, सियासी हलचल की बात करें तो पंजाब के जो चुनाव है इनकी दस्तक तो पिछले साल से ही चल रही है। यहाँ तक के कई पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने कैंडिडेट चुनाव की घोषणा होने से काफी पहले ही अनाउंस करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि पंजाब में एक पॉलिटिकल अजीब सी स्थिति बनी। रूलिंग कांग्रेस पार्टी में भी सत्ता बदल हुई, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया, कई मंत्री बदले गए, तो कांग्रेस की हलचल तो चल ही रही थी। साथ साथ दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनमें अकाली दल भी शामिल है, आम आदमी पार्टी भी शामिल है, इन्होंने अपने कैंडिडेट की अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी थी। चुनावों की जो राजनीति है ये तकरीबन एक साल पहले ही चल गई थी, तो ये कहा जा सकता है कि पंजाब तो अब बिल्कुल पीक वाली लाइन पे पहुंच चुका है। इतनी तेज सरगर्मियां हो चुकी हैं कि लोगों ने भी काफी हद तक अपने मन बना लिए हैं। लेकिन आप जो कह रहे थे कि एक साल पहले से तैयारी चल रही थी, तो ये किन किन दलों की तैयारी है? मुख्यमंत्री बदलने के बाद तो सरगर्मियां और भी इसलिए तेज हो गई कि अमरिंदर सिंह ने भी अपनी खुद की एक नई पार्टी बना ली थी। तो जाहिर है चुनाव वर्ष था, तो चुनाव साल में हर किसी ने अपनी तैयारी मुद्दे तय कर लिए थे कि लोग जैसे जैसे अपना मन बना लेते हैं। एक साल पहले ही पॉलिटिकल पार्टियां इस बात को समझ चुकी थी, इसलिए एक्टिविटी सभी की चल रही है। अब जैसे कांग्रेस के उम्मीदवारों की बात चल रही है कि कुछ का नाम कट रहा है, तो वो उम्मीदवार वो दावेदार टिकट के अलग अलग जगह के लिए तैयारियां कर रहे हैं। कुछ आजाद के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज में जो शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में चुनाव लड़ने का जो मन बनाए बैठे हैं उन लोगों ने अपनी तैयारी कर रखी है। नरेंद्र जी, ये तो भारतीय राजनीति का फेनोमेनन हो गया, चुनाव आते हैं तो आया राम गया राम शुरू हो जाता है। अब पंजाब में कितना देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ अमरिंदर सिंह अलग हो चुके हैं कांग्रेस से और ऐसा समझा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से अपना अलायंस करने वाले हैं, तो क्या भगदड़ की ऐसी स्थिति दिख सकती है जैसे उत्तर प्रदेश में दिख रही है? अलायंस की बात करें कैप्टन अमरिंदर सिंह की, तो तीन पार्टियों का अलायंस हो चुका है, जिसमें बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस और एक जो एमपी ढींढसा है उनकी अकाली दल यूनाइटेड है, तीनों में हो चुका है। सीट शेयरिंग की बात भी लगभग तय हो चुकी है, अनाउंसमेंट इनकी जल्दी होने वाली ही है। जहां तक पार्टियों की बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट काफी कुछ तय हो चुका है। जाहिर है जो लोग अमरिंदर सिंह के साथ लॉयल रहे हैं वो धीरे धीरे उनकी तरफ जा रहे हैं। पंजाब के एक मंत्री हैं वो भी छोड़ के बीजेपी में चले गए थे, इसके अलावा कई एमएलए हैं वो भी उधर लॉयल्टी चेंज रहे हैं। तो अदल बदल इसलिए ज्यादा हो रही है कि कुछ लोगों को कांग्रेस में अब कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ को अकाली दल में नजर नहीं आ रहा, या कुछ की सीटें नहीं मिल रही, तो सत्ता के साथ जुड़े रहने की जो लालसा है कुछ नेताओं की वो भी बरकरार रहती है। तो किसी न किसी रूप में वो लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में पहले से क्योंकि बैठे हैं, अब पैराशूटिंग कैंडिडेट जो आ रहे हैं ये उनके लिए जरूर एक खतरा बन रहे हैं। इसलिए जो गंभीर उम्मीदवार है परंतु उनको टिकट कटने की आशंका है, वो लोग दूसरी पार्टियों में जंप कर रहे हैं, दल बदल के जा रहे हैं। पंजाब में इसलिए इस बार कुछ ज्यादा हो रहा है कि पहले पंजाब में आमने सामने का या तिकोना मुकाबला होता रहा है, लेकिन इस बार स्थिति कुछ डिफरेंट है। इस बार एक दल की बात करें तो कांग्रेस यूपीए जो है वो एक पक्ष है, दूसरी तरफ बीजेपी का जो अलायंस है एनडीए का वो एक तरफ है, आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है उसका एक पक्ष बना हुआ है। पंजाब की राजनीति पूरी तरह से कृषि प्रधान राज्य होने के चलते किसानों की राजनीति रही है एक तरह से, और आपको ये वही याद में दिला रहा था कि जो 32 संगठनों ने आंदोलन किया था, जो तीन कृषि कानून थे जो वापस कर लिए गए, उसमें से 22 संगठनों ने बलवीर सिंह राजेवाल की अगुवाई में अपना पंजाब संयुक्त किसान मोर्चा बनाया है। तो पंजाब में क्या ये भी दस्तक देने जा रहा, हालांकि उन्होंने भी कहा है कि हम पूरे 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उनकी क्या स्थिति आपको नजर आ रही है?
जो बलबीर सिंह राजेवाल है जिन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा का नेतृत्व किया था, उनका दावा है कि 22 किसान संगठन उनके साथ है और उन्होंने तो खुद के लिए स्वराला से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर ली है और मोहाली में उन्होंने अपनी पार्टी का बड़ा दफ्तर खोल के दावेदारों से टिकट के लिए एप्लीकेशन मांगी हुई है। संयुक्त किसान संघर्ष पार्टी भी बनी हुई है जो गुरनाम सिंह चुडूनी है, हरियाणा के हैं, जिन्होंने किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया था। तो वो तो पिछली बार ही इस बात को तय कर चुके थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो इस बार भी वो चुनाव में इसी संयुक्त संघर्ष पार्टी के साथ, संयुक्त समाज मोर्चे के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ एक जो बड़ी संगठन है भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रावा, तो उन्होंने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और निर्लेप रहेंगे। उनका ये कहना था कि मजदूरों को भी टिकट मिलनी चाहिए। तो किसानों की इस बार जो राजनीति में शुरुआत हुई है, जाहिर है पंजाब की राजनीति को 5 तरफा मुकाबले की तरफ ले जा रहा है। मतलब तो क्या किसान मोर्चा भी जोरदार दस्तक देने जा रहा है, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल जोरदार ढंग से, गांवों में उसकी पैंट है, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान गांवों से ही सभी ज्यादातर लोग आते रहे हैं। तो ये बात बड़ी क्लियर है कि बहुत बड़ा डेंट डालेगा। हालांकि उनका दावा है कि हम सरकार भी बना सकते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले पंजाब में प्रधानमंत्री की यात्रा हुई थी और उस यात्रा को रोका गया था या रोकने की कोशिश हुई थी, उसको लेकर के जो राजनीति हुई है उसका क्या असर दिख रहा है स्थानीय स्तर पर चुनावी राजनीति में? उसका कुछ लोगों को छोड़ दें तो जो लोग उस पार्टी के विरोध में हैं उनकी तरफ से तो ऐसा विरोध हुआ ही हुआ, लेकिन आम लोग हैं जो उन्होंने इस बात का बहुत बुरा मनाया है कि प्रधानमंत्री का आना पंजाब में और उनका इस तरह रोका जाना पंजाब के जो संस्कृति है उसके खिलाफ है। इस बात पे लोग काफी खफा हैं। तो एक तरफ से जो पंजाब के ग्लोबल टाइप के जो वोटर्स हैं ना, उनके मन में इस बात को लेकर काफी नाराजगी है और वो इस बात के लिए किसानों से खफा नजर आ रहे हैं, जहां तक मैंने सुना है। फिरोजपुर के लोगों को 42,000 करोड़ का जो तोहफा मिलने वाला था, उसके अलावा और भी कुछ दावे किए जा रहे थे कि और भी बहुत कुछ मिलेगा, वो सबका सब एक तरह से पैक होके रह गया। तो वहां के लोग इस बात से बहुत निराश है। मैं जानना चाहूंगा कि इसका क्या असर पड़ेगा, कौन फायदा ले सकता है, किसको नुकसान हो सकता है राजनीतिक दलों को, क्योंकि चुनाव होने हैं और एक महीने बाद ही होने हैं। हिंदू वोटर है जो उनका झुकाव बीजेपी की तरफ जाने के जो पूरे पूरे चांस हैं, लोगों के मन में ऐसा लगा है कि जिस तरह से कभी किसान आंदोलन में खालिस्तानियों की घुसपैठ होके उसको एक धर्म का बनाने की कोशिश की गई थी, उसी तरह पंजाब में भी उस तरह की राजनीति खेल के एक सिस्टम बनाया जा रहा था। तो उस वजह से कम पंजाब के जो हिंदू हैं, जो 35% से ज्यादा है, इस बात से नाराज है कि इस तरह का पोलराइजेशन वाली पॉलिसी है कांग्रेस को नहीं खेलनी चाहिए थी, जिसका नुकसान सीधे सीधे कांग्रेस को और दूसरी पार्टियों को भी हो सकता है। कम से कम और उसके जो सहयोगी है उनको फायदा हो सकता है। आम आदमी पार्टी पिछली बार दूसरे नंबर पर थी, इस बार उसका कैसा प्रदर्शन रह सकता है, किस तरह के मुद्दे वो लोग उछाल रहे हैं? आम आदमी पार्टी इस बार भी पिछली तरह की ही तरह अग्रेसिव है। विभिन्न जो लोग हैं वर्ग के, उनसे मिलके उन्होंने उनकी समस्याएं भी पूछी हैं। तो अभी तक पार्टी ने अभी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, जबकि सबसे पहले उनका दावा था कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, चड्डा है दिल्ली से, वो भी पंजाब में आके कुछ ऐसे बयान देके गए हैं जिस वजह से एक विवाद सा खड़ा हो गया है कि किसान है जो वो भाजपा के चहेते बनके बराबर में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ताकि आम आदमी पार्टी के जो वोट बैंक है उसमें डेंट डाला जा सके। पंजाब में बड़ी भूमिका शिरोमणि अकाली दल की रही है, लंबे समय तक वो सत्ता में भी रहा है, इस बार उसका कैसा असर दिख रहा है, क्या वो मुद्दे उठा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कृषि कानूनों का विरोध किया था और इसके चलते वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से अलग भी हुए थे। पंजाब में पिछली बार उनकी सरकार के जाने का सबसे बड़ा कारण यही था कि बेअदबी के मामले, जो ग्रंथ बेअदबी के मामले और जो प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली चली थी, तो उसका प्रभाव ये पड़ा था कि अकाली दल को सत्ता से बाहर जाना पड़ा पिछले चुनाव में। वो मुद्दा उठाया जा रहा है बार बार, और ड्रग्स वाला मामला भी है, जो उस मामले में अकाली दल के जो सीनियर नेता हैं विक्रम सिंह मजीठिया, उनके खिलाफ भी वारंट जारी हुए थे, तो अभी उन्होंने जमानत ली हुई है, अभी उसी में चल रहे हैं। ये जो सीधा सीधा दो चीजों का असर है, उसने अकाली दल को बैकफुट पे ला दिया था। अकाली दल का भाजपा से अलग होना जो है वो भी उसके लिए नुकसानदायक रहा। हालांकि उसका दावा है कि बसपा की जो पंजाब में सबसे ज्यादा दलित वोटे हैं, पूरे देश में सबसे ज्यादा परसेंटेज की बात करें तो 34% जो वोट्स है दलित पंजाब में है, तो उसका दावा है कि बसपा के सहयोग से वो भाजपा की कमी को पूरा कर सकते हैं। परंतु बसपा का भी जो वोट बैंक पंजाब में अतीत में देखा जाए तो 2-3% से ज्यादा नहीं रहा। तो
अकाली दल कुछ ना कुछ कमी पूरी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतनी बढ़िया पोजीशन में अभी उसको लगता है कि वो नहीं है। कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री रहे, और पिछले चुनाव में तो जीत का पूरा श्रेय भी उन्हीं को मिला, कैप्टन अमरिंदर सिंह। अब वो अलग हो गए हैं, उनके अलग होने के बाद जो सत्ताधारी कांग्रेस है वो किस तरह से जनता को रिझाने की कोशिश कर रही है, किस तरह से वोटर्स को समझाने की कोशिश कर रही है, क्या क्या मुद्दे उछाल रही है? वर्तमान मुख्यमंत्री है चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने चुनाव आचार संहिता लगने से पहले 111 दिन सत्ता का सुख भोगा है, तो उन्होंने जो वायदों की झड़ी भी लगाई है और अनाउंसमेंट तो किए हैं, कुछ नोटिस भी जारी किए हैं। उनका दावा है जितने दिन सत्ता में रहे हैं उतने ही दिन उन्होंने लोगों की बातें मानी हैं। पर जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2017 में बनाया था अपनी निगरानी में, उसे लेकर कांग्रेस कोई बात करने की तैयारी में नहीं है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू, वो भी मैनिफेस्टो को लेकर कोई बात नहीं कर रहे, वो अपने अलग एजेंडे चलाए जा रहे हैं। तो जो कांग्रेस की पोजीशन फिलहाल बनी है उसको दो घोड़ों वाली गाड़ी के रूप में पंजाब में देखा जा रहा है, जहां पे एक तरफ मैनिफेस्टो कमेटी अपना अलग काम तैयार कर रही है और नवजोत सिंह सिद्धू अपनी अनाउंसमेंट अलग से कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को एक दलित का नाम देकर उन्होंने जो काम किए, जाहिर है वो उसको चुनाव वर्ष के अंत में आके से जो काम चल रहे हैं उसको चुनावों का नाम दिया जा रहा है, लेकिन उनकी छवि फिर भी थोड़ी हमदर्दी की बनी हुई है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू का जिस तरह का रवैया रहा है, अपनी सरकार की निंदा करनी और अपना अलग पैरेलल एक सिस्टम बना के चलना, उसे लेके कहीं ना कहीं जो कांग्रेस जन है ये महसूस करते हैं कि उनको इसका बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस सत्ता में होने के बावजूद भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने के बाद भी संभल नहीं पाई। हाल के कुछ चुनाव में देखा जा रहा है कि महिलाओं और युवाओं की बड़ी भूमिका हो रही है नई सरकारों को चुनने में। पंजाब में इस बार 26 लाख नए वोटर जुड़े हैं, जिसमें से 14 लाख पुरुष हैं और 12 लाख महिलाएं हैं। क्या लगता है इनका क्या रुझान रहेगा, किस तरह से ये वोटिंग करेंगे? जी, बात फिर वही आती है कि कांग्रेस ने सबसे पहले दावा किया था सोनिया गांधी की तरफ से कि हम जो महिलाओं को 33 से लेकर 50% तक की हिस्सेदारी सत्ता में देंगे, लेकिन टिकटों की बात करें तो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है, उनका भी इस बात पे जोर चल रहा है, लेकिन लग नहीं रहा कि 10% तक भी पहुंच पाएगी कांग्रेस टिकटें बांटने के मामले में। महिलाओं की भागीदारी बहुत कम नजर आ रही है। सभी पार्टियों की पोजीशन ये है, जैसे उत्तर प्रदेश में जो समाचार आ रहे हैं उसमें कांग्रेस ने महिलाओं को अच्छा कंट्रीब्यूट किया है टिकटा देकर, लेकिन ऐसा पंजाब में कोई संभावना बन ही नहीं पा रही। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पूरे वोटर का क्या रुझान रहेगा, 12 लाख वोटर महिलाएं वोटर एक्चुअली सभी हिस्सों में बैठे हुए हैं पंजाब में, क्योंकि हर पार्टी ने मुफ्तखोरी की अनाउंसमेंट इतनी ज्यादा कर दी है, लोग ये समझ नहीं पा रहे कि किस तरफ जाया जाए या किस तरफ ना जाया जाए। अच्छा, महिलाओं का क्या रहेगा, क्योंकि महिलाएं आजकल एक अलग तरह से, पहले की तरह नहीं है कि वो परिवार के साथ ही खाली वोटिंग करें, उनका अपना एक नजरिया बना है हाल के कुछ चुनाव में, क्या लग रहा है? महिलाएं टिकट तो मांग रही हैं सब तरफ से, लेकिन वो जो दावे हैं 33% के या 50% के टिकट देने के, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसके करीब भी नहीं फटक रही इतने फीसदी के। तो ऐसे में सिर्फ ये कहा जा सकता है कि ये चीजें शायद दूसरे राज्यों में हो सकता है कांग्रेस या दूसरी पार्टियां कर लें, लेकिन पंजाब में फिलहाल ऐसे महिला नेत्री भी कम नजर आ रही है। आपकी नजर में पंजाब को इन विधानसभा चुनाव में कौन कौन से मुद्दे ज्यादा मथेंगे या मथ रहे हैं? पंजाब में क्योंकि ज्यादातर जो जनसंख्या है वो गांवों में रहती है और सिख कम्युनिटी से ज्यादा जुड़ी है, तो जो बेअदबी के मामले हैं वो तो ऑलरेडी है ही है, और इसके साथ साथ बेरोजगारी वाले जो मामले हैं, पंजाब की बहुत ज्यादा जो बच्चे हैं वो विदेशों की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि पंजाब में ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है कि ईमानदारी से किसी को नौकरी मिल पाए या कोई रोजगार मिल पाए, या राज इस तरह का है कि कोई भी चीज यहाँ फ्री टाइप इन द सेंस के कुछ भी काम करवाना हो उसमें आपकी अगर पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है तो आपका काम नहीं होगा, अगर आप रूलिंग पार्टी के साथ नहीं जुड़े हो तो नहीं होगा। सिस्टम इतना कोलैप्स हो चुका है, आम लोग यहाँ रहना पसंद नहीं कर रहे। पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी, किसानों का मामला, बेरोजगारी की स्थिति और हाल में जो कुछ राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, जिसमें एक प्रमुख घटनाक्रम प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक वाला रहा है, इस पर बहुत ज्यादा विधानसभा चुनाव निर्भर करेंगे, यही मुद्दे छाए रहेंगे। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे पंजाब में चुनावी हलचल पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक नरेंद्र जग्गा और आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं
पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।